नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत साहबपुर की दलित आबादी अंबेडकर मैदान एवं तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों के कब्जे को राजस्व एवं पुलिस टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्व एवं पुलिस की कार्रवाई से घर से बेघर हुए परिजन हताश एवं परेशान दिखे। लोग बिलखते चिल्लाते रहे परंतु किसी ने एक न सुनी। थाना क्षेत्र के राजस्व ग्राम साहबपुर के राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 1605 रकबा 0200 1597 रकबा 0051 तालाब के गाटा संख्या 1599 रकबा 0341 रकबा खलिहान की गाटा संख्या 1604 अंबेडकर मैदान 1609 रकबा 0101 पर गांव के कुछ लोगों ने झोपड़ी नाद और घर बना लिया था। गांव के ही संतराम राजाराम एवं मोतीलाल की शिकायतों पर शनिवार को राजस्व निरीक्षक स्वामीनाथ सोनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक शमशाद अली, हल्का लेखपाल प्रवेश तिवारी, अजय सिंह चौहान, दिवाकर व अन्य राजस्व एवं पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अवैध रूप से कब्जा करने वाली विधवा ताहिरून पत्नी ताहिर अली, बुधुलाल पुत्र छोटेलाल, श्यामलाल पुत्र कन्हाईलाल, लवकुश बेचूलाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद, श्री केशन पुत्र राम सहाय, राम सुमिरन पुत्र मेडाई व शिकायतकर्ता संतराम के कब्जों को जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं मोहम्मद आरिफ की लगी सरसों की फसल को नष्ट कर मुक्त कराया गया। इस बीच अतिक्रमण हटाने आई टीम और कब्जा करने वाले लोगों में तूतू मैमे भी हुई, परंतु टीम के आगे अतिक्रमणकारियों की नहीं चली। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।